ठीक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये एलजी का डुअल इन्वर्टर स्पीड एसी है, तो आप देख सकते हैं ये भी नया है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, और इसकी पाइपिंग जो है अंडरग्राउंड हुई है। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके दूसरे वाली एसी का भी पाइप जो है हमारा यहाँ से आया हुआ है। अभी यहाँ पर एसी नहीं लगा हुआ है, लेकिन जिसने भी किया है इसमें, आप देख सकते हैं पूरा पाइप ओपन पड़ा हुआ है इसी तरह से। तो ऐसे ही इस वाले एसी का भी था, तो इसमें गैस का जो प्रेशर था वो पूरा था और कोई दिक्कत नहीं थी, बस कूलिंग कम कर रहा था। तो जिसने भी इसको इंस्टॉल किया है, तो उसने गैस, इसकी जो पाइप है गैस वाली, इसको उसने इसमें जो है नाइट्रोजन तो पहले से ही नहीं था, और बाद में भी इसमें कोई फ्लैशिंग या वैक्यूम नहीं किया है, और ऐसे ही इंस्टॉल करके चला गया, जिसकी वजह से इस एसी में अच्छी कूलिंग नहीं आ पाई है। तो पूरी गैस हमने इसकी उड़ा दी है, और इसमें आप देख सकते हैं हम इसका वैक्यूम कर रहे हैं अभी। तो अच्छे से हम इसका वैक्यूम लगभग 25 से 30 मिनट तक करेंगे, उसके बाद जो है इसमें हम गैस को फिर से रिफ़िल करेंगे, और तब जाके इसमें कूलिंग अच्छी आएगी। तो दोस्तों, कभी भी नई एसी को इंस्टॉल करें तो आप, अंडरग्राउंड पाइपिंग हुई है तो उसमें टेपिंग वगैरह अच्छे से हुए रहनी चाहिए, नहीं तो उसमें नाइट्रोजन तो ज़रूर ही रहनी चाहिए, जिससे कि कोई उसमें मॉइस्चर या एयर ना हो। इसलिए ये सब हमें चेक करना चाहिए, अगर वहाँ पे जो है नाइट्रोजन नहीं पड़ा है तो हमें इसमें नाइट्रोजन की फ्लैशिंग करके और उसकी अच्छे से वैक्यूम करके तभी हम एसी को इंस्टॉल करें, नहीं तो कूलिंग नहीं आएगी, गैस हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम वैक्यूम कर रहे हैं, लगभग इसमें हम 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और इसे हमें फुल वैक्यूम करके उसके बाद हमें इसमें R32 गैस फिर से रेफ्रिजरेंट करना है, चार्ज करना है। आप देख सकते हैं R32 है इसका, और ये वैक्यूम हो रहा है अभी। इसमें गैस भी अच्छी थी, और लगभग हमारा जो एम्पियर ले रहा था वो भी था, ठीक ठाक था, बट इसमें कूलिंग नहीं आ रही थी, और ये चलता जाता था, बस केवल चल रहा था और कूलिंग नहीं आती थी अच्छी से चिल्ड वाली। तो इसलिए कस्टमर का हमारे पास कंप्लेन आया, तो हम इसमें इसको चेक किया और उससे थोड़ी जानकारी ली कि इसमें पाइपिंग वगैरह हुआ था तो इसमें नाइट्रोजन फील हुआ था, नहीं तो उसने बोला कुछ नहीं हुआ था, बस ऐसे ही पड़ा था। तो दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर पाइपिंग हुई है तो नाइट्रोजन फ्लैशिंग ज़रूरी है, और वैक्यूम, बिना वैक्यूम के जो है हमारी एसी अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाती है। तो फिर दोस्तों, हम इसका वैक्यूम करके उसके बाद गैस कैसे चार्ज करते हैं ये हम आपको बताएंगे। थोड़ी सी वीडियो को स्टॉप कर दे रहे हैं, उसके बाद जब अभी गैस हम आपको चार्ज करने लगेंगे तो बताएँगे। दोस्तों, लगभग हमारा 25 मिनट से ओवर हो रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ से पता लगेगा पूरा श्योर कि हमारा वैक्यूम हो गया है नहीं। तो आप इसके डिस्चार्ज को पकड़ के रखें थोड़ी देर तक, उसके बाद छोड़ने से कोई एयर नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो इससे ये होता है कि हमारा वैक्यूम लगभग मुकम्मल हो चुका है। और जितना बढ़िया आप वैक्यूम करेंगे उतनी ही अच्छी कूलिंग आएगी, क्योंकि इसके अंदर जब गैसों का मिश्रण नहीं रहता है, ओनली R32 गैस ही रहता है, तो बहुत अच्छे से कंप्रेसर हमारा पंप भी करता है और उसको प्रेस भी करता है, और अच्छे से जितना बढ़िया प्रेस होगा गैस उतनी बढ़िया कूलिंग आएगी। तो दोस्तों, अब इसमें गैस चार्ज करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये माइनस में बिल्कुल चला गया है हमारा जो। इसमें गैस को चार्ज करेंगे, सबसे पहले हम इसके यहाँ से बंद कर देंगे, इससे हमारा वैक्यूम टूटे ना।
बाद गैस को हम यहाँ से रिलीज़ कर देंगे सिलेंडर से। और इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से क्या होता है, हमारा जो गैस होती है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जाता है, और जिससे कि एयर नहीं जाता अंदर, ओनली लिक्विड ही लिक्विड जाता है। तो हम यहाँ से पहले इसके अंदर की एयर को निकालेंगे, जैसे ही हमारा लिक्विड आएगा वैसे ही हम गैस को चार्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से लिक्विड आ रहा है इसमें, तो हम इसमें लिक्विड ही चार्ज करेंगे और लगभग 200 के ऊपर ही इसमें चार्ज कर देंगे। उसके बाद हम यूनिट को ऑन करेंगे। तो धीरे धीरे इसमें गैस को चार्ज करना है, बहुत स्पीड से नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं 200 प्लस हो चुका है, तो ये 200 के आसपास हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको 200 प्लस करके उसके बाद यूनिट को ऑन करेंगे। हो गया है 230 के आसपास, तो हम यूनिट को ऑन करवाएंगे यहाँ से बंद करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा आउटर ऑन हो गया है और हमने इसमें गैस को चार्ज कर दिया है। हमारा एम्पेयर जोन ले रहा है 1.2 एम्पेयर ले रहा है, तो ये भी बढ़ेगा इसका एम्पेयर। इसका गैस का लोड देखेंगे कितना ले रहा है, ये पूरी तरह ऑन हो जाए उसके बाद हम इसमें गैस का लोड देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों लोड है जो है अभी कम बता रहा है हमारा। अभी हम इसमें और भी गैस रिफिल करेंगे क्योंकि इसमें भी गैस कम है। ये लगभग 150 इसका बैक प्रेशर होता है, 150 PSI R32 का। दोस्तों ये बहुत ही हाई प्रेशर गैस होता है और बहुत ही रिस्की होता है, तो इससे थोड़ी सी सावधानी बरत के काम करना चाहिए और पूरे सिस्टम के साथ करना चाहिए।